कोरोना काल में कोविड सेंटर पर भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए करीब 7 दिनों पर आरएसएस के प्रकल्प सेवा भारती द्वारा जिला चिकित्सालय के समीप सेवा भारती भोजन एवं सहायता केंद्र प्रारंभ किया गया था। इस संस्था द्वारा प्रतिदिन सुबह शाम कोविड सेंटर पर भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सेवा भारती भोजन एवं सहायता केंद्र पर प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे भोजन के लिए पंजीयन किए जाते हैं। पंजीयन कराने वाले लोगों को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक भोजन के पैकेट का वितरण किया जाता है। इसी तरह शाम को भी 4 से 6 बजे तक पंजीयन किए जाते हैं और शाम 6 बजे बाद भोजन के पैकेट वितरण का कार्य शुरू किया जाता है। प्रतिदिन 150 से अधिक लोग इस केंद्र पर भोजन के लिए पंजीयन करवा रहे हैं, जिनको सेवा भारती द्वारा निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि आरएसएस के प्रकल्प सेवा द्वारा करीब 7 दिन पहले से सेवा भारती भोजन एवं सहायता केंद्र शुरू किया गया था। इन 7 दिनों में संस्था द्वारा अभी तक 600 से अधिक लोगों को भोजन के पैकेटों का वितरण किया जा चुका है। सर, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक का जो हमारा एक प्रकल्प है सेवा भारती, इसके तत्वाधान में सेवा भारती की तरफ से हम यहाँ पे आदरणीय सभी मिलके यहाँ पे सुबह और शाम को मिला के पैकेट मरीजों को बांटते हैं। कितने पैकेट रोज बांट रहे हैं? अभी पंजीयन हो रहा है, कितने पंजीयन की प्रक्रिया रहती है इसकी? सुबह लगभग 80 पंजीयन हो जाता है, शाम को भी लगभग 80-85-90 जो पंजीयन हो जाते हैं उतने पैकेट बांटते हैं। पंजीयन किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस रहती है उसकी? पंजीयन की प्रोसेस रहती है सुबह 8 से 10 बजे तक सुबह मरीजों से पंजीयन होता है और 12 से 1 बजे के बीच में हम पूरा पंजीयन से जो भोटे हैं मरीजों के उनके पैकेट बांट देते हैं 1 घंटे के अंदर। शाम को भी ऐसे ही 4 से 6 बजे पंजीयन होता है और 6 बजे बाद पैकेट बांटना स्टार्ट कर देते हैं। रोजाना कितने पैकेट लगभग बांट रहे होंगे? रोज के मान के चलो 150 पैकेट मान के चलो सुबह शाम के। कब से सेवा भारती का कार्यक्रम? ये 8 से 8-1 दिन हो गए। अभी तक कितने लोग खाना पड़ गया? अभी तक तो हो गया है लगभग ये 500-600 पैकेट बांट चुके हैं। और आपका नाम? राहुल नीमा। ऐसा ये आरएसएस की अपने सेवा भारती संस्था है और अपने जो साथ में यहाँ जो मरीज हैं इनके साथ में जो परिजन हैं ये खाने के लिए बेचारे बहुत परेशान हैं, तो सेवा भारती द्वारा इनको निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। अपने सेवा भारती द्वारा इनको निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है और अपन हरी सब्जी 5 रोटी और सादी रोटी मरीज के हिसाब से जो खाना बनता है उसके साथ परिजन को दे रहे हैं अपन यहाँ से निःशुल्क। और सुबह करीब 80-90 पंजीयन सवेरे होते हैं और 80 पैकेट लगभग शाम को बांटते हैं अपने, तो अपने 8 से 10 में पंजीयन करते हैं हम और 12 से 1 में खाना बांटते हैं। क्या कितना लक्ष्य है? क्या लक्ष्य भाई साहब? जो मरीजों के हिसाब से जितनी भी मतलब लक्ष्य कोई फिक्स नहीं अपना कि इतनी बांटना अपने। कब से चालू हुआ? सर ये अपने करीब आज 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन में अभी तक कितने लोगों ने यहाँ से भोजन प्राप्त किया? भाई साहब लगभग 500-600 करीब पैकेट अभी तक वितरण हो चुके हैं।